आ गया हूँ मैं हाथी नाला। ये पुलिस स्टेशन भी है और ये स्थान आपका बनारस से शक्तिनगर जो रोड जाती है उस पे पड़ता है। यहाँ पे वन विभाग का बहुत ही अच्छा पार्क है जिसमें हम लोग आज जाएंगे और आपको दिखाएंगे। इधर में देखिए हनुमान जी का मंदिर भी है और यहाँ पर जो हनुमान जी की मूर्ति है वो पंचमुखी है, मतलब पांच मुख वाली यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। और ये आपका पुलिस सहायता केंद्र भी है। और इधर में देखिए हाथी नाला जो यहाँ पे थाना भी है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। और मैं आगे का आप लोगों को अवलोकन करवाऊँगा। अब मैं उद्यान के बिल्कुल नज़दीक में आ गया हूँ और यहाँ से आपका रांची 297 किलोमीटर है और दुधी 19 किलोमीटर है। बिल्कुल पास में हम आ गए हैं उद्यान के। अभी हम आप लोगों को अंदर का दृश्य दिखाएंगे। गेट पे आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं इको डाइवर्सिटी पार्क, ये अब गेट के आने के बाद हम आपको प्रवेश कराएंगे। और यहाँ पर देखिए लकड़ी जैसे आपको जो दिख रहा है तो सीमेंटेड है और ये लकड़ी का नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये बिल्कुल लकड़ी से ही निर्मित है और बनाया गया है। लकड़ी से बनाया गया ये गेट ऐसा प्रतीत होता है जैसे लकड़ी का ही हो और ये सीमेंटेड है। और इधर में देखिए वन विभाग द्वारा जो यहाँ पर लगाया गया है, बोर्ड लगाया गया है, उसको भी आप एक बार देख लीजिए और मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। अब मैं आपको यहाँ की पार्किंग की व्यवस्था दिखाना चाहूँगा। ये पार्किंग है और यहीं पर गाड़ियाँ वगैरह सब सुरक्षित खड़ी रहती हैं। और इसके बाद मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। अंदर आने के बाद यहाँ पर यहाँ की जो व्यवस्था देख रहे हैं मैं उनसे बात करना चाहूँगा और रूबरू होता हूँ उनसे। क्या नाम है आपका? बुद्ध सिंह इनका नाम है। और यहाँ पर आने जाने वालों की यहाँ पर एंट्री होती है और सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए ये सब कार्य करना ही पड़ता है। और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे जुड़ने के लिए। घर पर तो बना बनाया खाना मिलता है, खा लिया जाता है, लेकिन बाहर जो अपने हाथ से खाना बनाया जाता है उसका आनंद कुछ और होता है। और भैया मैं और लोग जुड़ता हूँ। भैया आपका नाम? राय साहब सिंह। हाँ, तो आप क्या बना रहे हैं आज? दाल बना रहे हैं भाई साहब। अच्छा, हड़िया में। अच्छा। दाल के साथ में और क्या रहेगा? अब बाटी रहेगा, चोखा रहेगा। बाटी चोखा दाल का आनंद उठाएंगे भैया लोग। और आप, आपका नाम? रंजन कुमार सिंह। सब लोग देखो मिल करके बना रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। इधर देखिए आलू और टमाटर भी भुने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से जो है पकना चाहिए। क्या नाम आपका? प्रमोद तिवारी। कहाँ से आए आप? रेनीकोट से आए हुए हैं सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पूरी टीम आई हुई है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जुड़ने के लिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा सुरेश कुमार नाम है। सुरेश कुमार, पिकनिक मनाने आप? हाँ सर। क्या बनाएंगे आज? यही बाटी चोखा जो भी। हाँ, बाटी चोखा बनेगा। और आप भैया? हम भी जो ना सब ग्रुप है अपना साथ में ही है जी, पूरा ग्रुप एक ही है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए। सर हम रेनीकोट सोनभद्र पिकनिक मनाने आए जी। जी भाई, बड़े भाई हमारे साहब हैं उनके साथ। अच्छा, सनी यादव पढ़ते हो? हाँ। किस क्लास में? नाइन्थ। यहाँ पर अंदर में एक बहुत अच्छा पार्क है और उसको मैं दिखाऊँगा। उसका देखो मैप लगा हुआ है, रास्ते को दर्शाया गया है किधर से जाना है किधर से नहीं जाना है। और इसी के रास्ते से अगर आप चलेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैप द्वारा ही अगर आप चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ही सुंदर दृश्य मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। अंदर में आने के पश्चात एक विश्राम स्थल बना हुआ है और बिल्कुल निर्मित तो ये मोरंग सीमेंट से है लेकिन ऐसा लगता है जैसे लकड़ियों से बना हुआ है। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पर। और भी आपका? ऋषभ जायसवाल। कहाँ से आए आप? यहाँ चकिया से, चंदौली। चकिया चंदौली से आप आए, चलो अच्छी बात है। आपका? मेरा नाम सत्यम कुमार है। सत्यम कुमार, पढ़ते हो? हाँ पढ़ते। किस क्लास में? नाइन्थ में। और अंदर में बहुत सुंदर पार्क बना हुआ है जिसका अवलोकन मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए झूले लगे हुए हैं बच्चों के झूलने के लिए और कोई सफाई
तो है वास्तव में यहाँ पे डस्टबिनों का भी प्रयोग किया गया है, यहाँ पे डस्टबिन एक रखी गई है, लेकिन लोग अनावश्यक ही अपने उससे इधर उधर डाल देते हैं। और बहुत ही यहाँ पे देखिए बैठने के लिए भी बढ़िया व्यवस्थाएं की गई हैं, आराम से बैठिए। और जैसे बांस का बना हुआ है वैसे सीमेंटेड द्वारा बनाया गया है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इधर मैं आपको ले चलता हूँ अंदर में, पार्क में निर्मित एक बैठने का स्थान बनाया गया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर और अच्छे ढंग से बहुत ही अच्छे कारीगरों द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। और ये यहाँ पर सुरक्षा के लिए जालियाँ वगैरह भी लगाई गई हैं, उधर में नदी बह रही है तो उसमें जाली लगाई गई है जिससे कि लोग उधर किनारे ना जा पाएं। और इधर भी देखिए कुर्सी वगैरह बनी हुई है, घूमने टहलने के लिए भी अच्छी जगह है। और इधर में देखिए मैं आपको नदी का अवलोकन करवाता हूँ, ये देखिए पानी भरा हुआ है, ये देखिए तार भी लगे हुए हैं सुरक्षा के लिए कि यहाँ पर जो है लोग उस साइड ना जा सकें। और बहुत ही उधर में देखिए इधर भी रास्ता है, और अभी मैं इधर पार्क में ले चलता हूँ आपको, वहाँ का व्यवस्था दिखाता हूँ। पार्क के अंदर आकर के यहाँ पर जो बैठने का स्थान है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया है। डस्टबिनों का यहाँ पर भी प्रयोग किया गया है और लोग प्रयोग भी करते हैं, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो प्रयोग नहीं करते हैं। ये देखिए यहाँ का कितने सुंदर ढंग से बनाया गया है, और ये सब सीमेंट मोरंग बालू से बना हुआ है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहाँ पर सब लकड़ियों से बनाया गया है। बैठने के लिए चेयर भी बनी हुई हैं अच्छी, और टेबल भी बनी है, आप इस पर बैठ के खा भी सकते हैं, और बहुत ही अच्छा दृश्य है। इधर मैं कुछ लोगों से जुड़ करके बात करवाता हूँ आपको, और झूला वगैरह भी लगे हुए हैं, फिसलने के लिए भी बच्चों के लिए सब बनाया गया है, बहुत ही अच्छा दृश्य है। और यहाँ पर मैं जुड़ता हूँ पिकनिक मनाने आए हुए कुछ लोगों से। क्या नाम है भैया आपका? मनोज पंत। कहाँ से आए आप? रेनूकोट से। कैसी लगी व्यवस्था यहाँ की? व्यवस्था ठीक है, लेकिन पहले बहुत अच्छी थी जी, तो बहुत इतना नहीं है कि मतलब लग रहा है कि जैसे साफ सफाई थोड़ी सी अच्छी और अगर इम्प्रूव हो जी तो अच्छा लगे थोड़ा सा। यहाँ पर इधर में कचरा वगैरह भी, जबकि डस्टबिनें लगी हैं लेकिन लोग उनमें न डाल करके, वो तो ठीक है, वो ठीक है, वो सही है, लेकिन पहले इम्प्रूवमेंट था। अब ये देखिए गाय भैंसें घूम रही हैं तो वो है, ये नहीं होना चाहिए पिकनिक स्पॉट है। हाँ, पिकनिक स्पॉट है की बहुत अच्छी व्यवस्था हो यहाँ पर, क्योंकि लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। मेन वीके बिजलानी है जी, कहाँ से आए? हम लोग रेनूकूट से आए हैं, हमारी पूरी फैमिली आई हुई है सारे लोग जी, जी हम लोग सब साथ में काम करते हैं जी, और यहाँ अपना संडे मनाने आए, पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं जी जी। और यहाँ पर तो पहले बहुत अच्छा मेंटेन था, अभी हम इस साल बार देखना पड़ा गंदगी कर दी है। क्या किया जाए ऐसा कि और अच्छा हो जाए? इसमें तो जो पैसा लेते हैं, अभी हम लोग एंट्री फीस भी लिया गया, कम से कम उस हिसाब से मेंटेन करें। कितने कितने रुपए लिए एंट्री फीस? 10-10 रुपए लिया हर एक आदमी से जी, बच्चों का भी 10 रुपए, सबका 10, तो मेंटेन करें तो अच्छी बात है, तो मेंटेन रहेगा, पैसा चाहे और ले लें जी, है ना, मतलब साफ सफाई हो, साफ सफाई होनी चाहिए कहीं भी, ये सब होना चाहिए। गाय भैंस घूम रही है, इतने सारे बैल घूम रहे हैं, तो थोड़ा सा चलो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, नमस्कार। पिकनिक में आए हुए मैं मैडम जी से बात करना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पायल नाम है। पायल नाम, कहाँ से आई? मैं यही रेनूकूट से ही आई हूँ। अच्छा अच्छा, पिकनिक मनाने? पिकनिक मनाने। क्या प्रोग्राम है आज खाने का? बस बना के लाए, यहाँ पे एंजॉय करेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे और साथ में बैठ के एंजॉय होगा बस। चलो अच्छी बात है। और क्या आप कुछ? बस थोड़ी साफ सफाई होना चाहिए जिससे अच्छा लगे बैठने में, खाने पीने में, सही है। सफाई की विशेष यहाँ पर व्यवस्था की जानी चाहिए। हाँ, सफाई की विशेष, क्योंकि यहीं पर आते हैं लोग, खाना वाना खाते हैं तो बड़ा गंदा लगता है खाने में, हाँ इन्फेक्शन भी हो सकता है। मैडम जी आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीता पंत है। विनीता पंत, कहाँ से आई? रेनूकूट से। तो आप कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में? ये
पिकनिक मनाने आए थे, अब यहाँ देखिए यहाँ ये गंदगी जी। ये गाय ऐसे जैसे बैठ नहीं सकते हैं जैसे हम लोग ना, कि डर मतलब एक मन में डर है, इंफेक्शन भी हो सकता है। इंफेक्शन नहीं, जैसे डर की कोई 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 गाय मार ना दे जैसे। चलो मैं बात करता हूँ अभी यहाँ। ये पैसे तो ले रहे हैं ना, हाँ जैसे आप अगर आप पैसे ले रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था भी देना चाहिए। और देखिए इतने लोग बना रहे हैं, किसी को गाय भैंसे मार सकती हैं, नुकसान भी हो सकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। मैडम जी आप संगीता श्रीवास्तव? संगीता श्रीवास्तव कहाँ से हैं? मैं रेणुकूट हिंडालको कॉलोनी से। और ये मेरी बेटी जी, क्या नाम आपका? समृद्धि श्रीवास्तव। पढ़ने जाती हो? हाँ। कहाँ पे? रेणुकूट में निम्लो कॉन्वेंट हाई स्कूल है, वहीं पे भी 11th में हूँ। बहुत अच्छी बात है। और कुछ सुनाएंगे आप? यहाँ तो पिकनिक मनाने के लिए लोग इंजॉय करने के लिए आते हैं, जैसे जो भी आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को। चलो यही है कि पिकनिक पे जाएं तो थोड़ा सा साफ सफाई मेंटेन करें, और थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि सिर्फ आप ही का नहीं है, बाकी सबका भी है वो। और ये है कि जो सामान आप साथ लेकर के आए जैसे गंदगी, वो सबको भी साथ में लेके ही जाएं। हाँ, लेके जाएं या डस्टबिन में जो है उचित जगह पर डालें तो अच्छी बात रहेगी। एंजॉय वहीं तक करें जिसमें दूसरों की आजादी पे असर ना पड़े, दूसरों को परेशानी ना हो, और अपनी भी एंजॉय हो जाए। कचरा और ये प्लास्टिक उचित स्थान डस्टबिन में ही डालें। एक जो ये है कि जो ऑर्गेनाइजर्स है जो यहाँ पे एंट्री फीस भी ले रहे हैं, आप उनको जरूर जाके बोलिए कि ये क्या है जी। हाँ, ये जो छुट्टा घूम रहे हैं, बिल्कुल बताइए, हम लोग सामान रख के कहीं जा नहीं सकते, मार भी सकते हैं, नुकसान भी सकते हैं, बताइए हम लोग यहाँ पे सामान रख के नहीं जा सकते जी, जी, जी। वो खाने में तो ऐसी मुंह डाल दें। चलिए मैं भी बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी आपका। बात करता हूँ मैडम, क्या नाम है आपका? सुनीता पांडे। सुनीता पांडे, यहाँ की व्यवस्था में ये दो तीन चीजें तो अभी आप लोगों ने बताया, उसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है जी। बस थोड़ा गाय वाय जो है ना, इनको बस कंट्रोल किया जाए, बाकी सब बहुत अच्छा है फिर। चलो अच्छी बात है, मैं अभी बात करूंगा उनसे। और आप कुछ गुनगुनाती हैं? नहीं सॉरी। चलिए कोई बात नहीं। एक मनाने के लिए जो आगंतुक थे उनसे बातचीत करने के बाद अब मैं आपको नीचे एक झरना है उसको दिखाऊंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा। क्या नाम है? मेरा नाम तुलसी शर्मा है। तुलसी शर्मा। आपका? शशि शर्मा। शशि शर्मा, क्या व्यवस्था यहाँ पर जो आपको अच्छी लगी? यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है, मतलब जितने भी लोग देखने आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है जी। थोड़ी साफ सफाई की कमी अभी मुझे लग रही थी। साफ सफाई की कमी है और व्यवस्था इनके लिए अच्छी है, लेकिन जो छुट्टे पशु घूम रहे हैं पार्क के अंदर ये गलत बात है। यस सर, बहुत गलत बात है, क्योंकि छोटे बच्चे भी खेलने आए हैं इसमें। हाँ, जो लोग खाने के लिए लाते हैं यहाँ पे वो छीन छपट के जानवर खा भी जाते हैं और किसी को मार भी सकते हैं, ये यहाँ की व्यवस्था को ध्यान दिया जाए। यस सर, ठीक। बहुत ही सुंदर देखिए दृश्य चल रहा है यहाँ पे, और हमारे ऊपर भी इसकी पानी की बूंदें आ रही हैं, आप लोग गौर से देखिएगा। बहुत ही सुंदर झरना है यहाँ पे, आप लोग आइए और यहाँ के झरने का आनंद लीजिए। और यहाँ पर पानी हर समय चलता रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है। और थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है, लकड़ियाँ वगैरह यहाँ पर भी पड़ी हुई हैं जो सड़ रही हैं, पानी को प्रदूषित कर रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी को यहाँ पर स्वच्छ ही रखना चाहिए, दोनों तरफ से पानी निकलता है, आप लोग देखिए और आनंद लीजिए। और आप लोगों से आग्रह यही है कि एक बार आप लोग ज़रूर आएँ और इस झरने का और पार्क का लाभ उठाएं और यहाँ के दर्शनीय स्थलों का आप निरीक्षण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रेणुकूट, सब लोग रेणुकूट। हाँ सर। आपका नाम? अंकित। अंकित। आपका? पीयूष दुबे। पीयूष दुबे। आप? रोहित। आप? अरमान। अरमान। और यहाँ क्या अच्छा लगा आपको आकर के? यहाँ पर स्वच्छता अभियान को लेके सब जागरूक ज्यादा है, साफ साफ सफाई भी है। ये तो आप गलत बोल रहे हैं, कुछ एरिया कुछ एरिया मैं इस बात का आपका समर्थन नहीं करूँगा। देखो सफाई है, लेकिन आप उधर जाएंगे तो देखिए कितना कचरा लगा हुआ है, टूरिस्ट मतलब नहीं कर रहे और ये हम ही लोग करते हैं। हाँ तो ज्यादा नहीं कर रहे ये, इसकी यहाँ के जो व्यवस्थापक है वो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उसकी यथा स्थान यथा जगह पर ही डस्टबिन में ही कचरा डालें तो ये कुछ नजर नहीं आएगा। थोड़ा ये है कि जानवर छुट्टा घूम रहे हैं, यही सबसे बड़ी कमी जानवर की कमी, जिसको मैं भी बोला हूँ तो वो जा करके भगाए हैं यहाँ से। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कुछ टैलेंट रखते हैं गाने का या कुछ और बोलने का? ये गाना अगर है तो आप बोल सकते हैं। कौन सा गाना? कौन सा गाना गाओ?
नहीं, हम गाने का शौक नहीं। एक लाइन गुनगुना दीजिए, बोल चुका हूँ तो बोलना ही पड़ेगा। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जुड़े। नमस्कार। एक बार झरने के पास आया हूँ और मैं दिखाऊंगा यहाँ जो ये सिलाएँ पड़ी हुई हैं, ऐसा लगता है कि तराश करके बनाई गई हैं। और इधर में देखिए ये भरा हुआ जलाशय, पानी बहुत है, बस स्वच्छता की कमी है थोड़ा। और बहुत ही सुंदर दृश्य रहा, यहाँ पर आने के बाद हमको बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोगों को भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। मैं संजय श्रीवास्तव STP, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपसे अनुरोध यही करता हूँ कि कभी भी सोनभद्र अगर आएँ तो इस पार्क को घूमने का ज़रूर प्रयास करें। नमस्कार।